हेलो दोस्तों, स्वागत है पायल कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर में। दोस्तों आज अपने सीखने वाले हैं बेसिक लर्न कंप्यूटर का पार्ट 3, जिसके अंदर अपने सीखेंगे सीपीयू और मेमोरी के बारे में। तो देखिए सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या है, एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, उस जो सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। पूरी जानकारी देखेंगे इसमें सीपीयू के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से। तो जैसे इसका फुल नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डेटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे परिणाम देता है। इसका प्रयोग इस तरह से होता है, जो कि अपने कैबिनेट होता है उसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। हम आमतौर पर कई लोग क्या होते हैं, सीपीयू को ही कंप्यूटर समझ लेते हैं, यानी कि कोई किसी को बोले सीपीयू तो यानी वो कंप्यूटर इस तरह से, पर एक्चुअली में ये कंप्यूटर का बहुत छोटा पार्ट है जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब देखिए सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से पूरा करता है, जिसके नाम नीचे दिए गए हैं। ये मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होते हैं और ALU होता है। यानी ये जो 3 पार्ट के अंदर सीपीयू अपना काम करता है। पहला मेमोरी, यानी मेमोरी क्या है, कि कंप्यूटर जिस तरह से अपने गोदान में कोई सामान रखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एक स्टोरेज होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा रखने का काम होता है और सभी काम करते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती है, रेंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम होती है, जो अपने आगे देखेंगे इसका। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट जिसे CU भी बोलते हैं, ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है, यानी कि ये जो भी नियंत्रण करता है, जो सभी होते हैं, जैसे यूनिट मेमोरी होती है, लॉजिक यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सभी को कंट्रोल करता है और उन सबको प्रोसेस में लाने का कार्य होता है। और दूसरा होता है ALU। ALU का पूरा नाम होता है एथीमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ये दो कार्य करता है, पहले डेटा पर गणितीय क्रिया करता है और दूसरा परिणाम देता है। यानी इसमें क्या, इसका क्या कार्य होता है, इसमें गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कार्य करने का कार्य होता है, जो फिर होता है इसके अंदर। अब देखिए मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अपने देख लेते हैं। जिस प्रकार से इंसान का मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है, मेमोरी होता है जो कि उसके अंदर सब रहता है। मेमोरी क्या होता है, देखो प्राप्त डेटा निर्देश और परिणामों को संग्रहित करना मेमोरी कहलाता है। इसे कंप्यूटर आम भाषा में याद रखने भी कहते हैं, यानी याद कंप्यूटर याद करने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर को उपयोग करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, प्रत्येक भाग को एक सेल कहते हैं। मेमोरी उपकरण प्रत्येक सेल में अपनी अलग अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस पाथ कहते हैं। सेल में भी डाटा संग्रहित किया जाता है, ये बाइनरी डिजिट में होता है, 0 और 1 में स्टोर रहता है। अब देखिए कंप्यूटर में डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, इसके लिए वह अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है जो नीचे दी हुई है। एक होती है कैश मेमोरी, दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी, तीसरी होती है सेकेंडरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है, ये सबसे यानी कि बहुत ही मेमोरी होती है, तेज मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी के बीच लगी रहती है, सीपीयू के ऊपर अटैच रहती है ये। इसमें क्या है, जो रनिंग प्रोग्राम होते हैं वो सब इसके अंदर ही यूज होते हैं। कैश मेमोरी में डेटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट होती है, इसे बार बार साफ करना पड़ता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, अपनी मेमोरी की कंप्यूटर की स्पीड इसी के ऊपर होती है। अब कैश मेमोरी की विशेषता क्या होती है, देखिए कैश मेमोरी प्राथमिक जैसे तेज में होती है, इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्यों के निर्देश स्टोर होते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, स्टोरेज डेटा को बार बार साफ करना पड़ता है, यानी ये जो रनिंग प्रोग्राम होते हैं उसका स्पीड के ऊपर इसका काम होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, इसमें सीपीयू डेटा और निर्देश को प्राप्त करता है।
अगर प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहा है काम के निर्देश डेटा संग्रहित करता है, ये मेमोरी स्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डेटा से होता डिलीट हो जाता है और यार अगले काम का डेटा स्टोर हो जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर भी डेटा डिलीट हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी रनिंग प्रोग्राम होते हैं उसकी जो मेमोरी होती है वो रैम के अंदर होती है। अपने जो भी काम करते हैं रनिंग वो सब इसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर होती है और जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा पूरा चला जाता है। और दूसरा होता है रोम। रोम के अंदर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके अंदर डेटा एक राइट किया हुआ होता है जो इस यानी कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होते हैं उनका सब डिटेल इसके अंदर राइट किया होता है। तो जो भी कंप्यूटर इसको ऑन करते हैं तो ये पूरी इंफॉर्मेशन सब पार्ट्स की इसमें से प्राप्त हो जाती है बूटिंग के टाइम। तो ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि एक स्थायी मेमोरी है, इसे ना डिलीट किया जा सकता है और ना ही कुछ कर सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की विशेषता क्या है, ये मेमोरी अस्थायी होती है, सीपीयू का भाग होती है, पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद सबसे डिलीट हो जाती है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है। अब देखिए तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, अतिरिक्त यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डेटा को प्राइमरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी संग्रहित डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है और इसे यूजर कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये अपने जैसे किस तरह से हार्ड डिस्क होती है, सीडी ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, उसके अंदर ये डेटा इसका स्टोर रहता है। और इसकी विशेषताएँ क्या है, ये स्थायी मेमोरी होती है, डेटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है, गति थोड़ी कम होती है और स्टोरेज अक्षमता अपने चाहे उस हिसाब से इसकी स्टोरेज अक्षमता रख सकते हैं। काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है, जब वह अपने चाहे तब इसको यूज कर सकते हैं। अब मेमोरी की यूनिट क्या है, देखिए कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 रूप में संग्रहित होता है, जो दो इकाइयों में बाइनरी डिजिट बिट्स कहा जाता है, प्रत्येक बिट्स को प्रस्तुत करता है। इसके लिए कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटा इकाई बिट्स होता है और मेमोरी में छोटे कैरेक्टर करने के लिए बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है। शुरुआत में 8 डिजिट यानी 8 बिट होते हैं, तथा जो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होता है। इस प्रकार से इसकी होता है, जैसे बिट 4 बिट 1 निबल होता है, 2 निबल 8 बिट होते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। इस तरह से ये आप देख सकते हो, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये लेसन कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।